पिछले दिनों कॉफी विद करण में दीपिका ने खुलासा किया था कि रणवीर सिंह उनके लाइफ में थे तो वो दूसरे ऑप्शन को भी देख रही थी। वो एक साथ चार चार लड़कों को डेट कर रही थी। इस खुलासे के बाद दीपिका और रणवीर की शो में ही टकरार भी हो गई थी। सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण को जमकर ट्रोल भी किया गया था। लोगों ने कहा कि दीपिका ऐसे लड़कों को चुन रही थी जैसे वो सब्जी या कपड़े खरीद रही हो। अब दीपिका की इस कॉन्ट्रोवर्सी पर अक्षय कुमार की वाइफ और एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। ट्विंकल ने कहा है कि कुत्तों से शादी करने से अच्छा है कि कैजुअल डेटिंग कर लो। ट्विंकल ने अपने एक आर्टिकल में दीपिका और रणवीर के इस विवाद पर लिखा है। ट्विंकल ने अपने कॉलम में लिखा है कि मुझे याद है कि एक बार मेरी बिल्डिंग में ही एक आंटी ने मुझे एक लड़की के बारे में बताया जिसके पिता उसकी शादी एक कुत्ते से करवा दिए। पहले तो मुझे उनकी बातों पर भरोसा ही नहीं हुआ, फिर उन्होंने मुझे न्यूज पढ़ाई जिसमें लिखा था कि झारखंड में एक लड़की ने चेरू नाम के आवारा कुत्ते से शादी की। आंटी ने कहा कि लड़की मांगलिक थी और ऐसा करने से लड़की का सारा दोष कुत्ते पर चला जाएगा। ट्विंकल ने आगे दीपिका पादुकोण को सपोर्ट करते हुए लिखा कि अगर आप एक सोफा खरीदने निकलते हैं तो क्या आप दुकान पर जाकर ये पता नहीं लगाएंगे कौन सा सोफा आरामदायक है और कौन सा अच्छा है। लेकिन यहाँ बात तो जीवन साथी चुनने की आती है तो आपको ऑप्शन दिखाए बिना सिर्फ एक को ही चुनने की उम्मीद की जाती है। मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण का फैसला बहुत सही है। ऐसा करने से बहुत सारी महिलाएं कुत्ते और मेंढक से शादी करने से तो बच सकती हैं। ट्विंकल के इन बातों पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई उन्हें सही बता रहा है तो कोई उन्हें गलत बता रहा है। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिए। और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।